सुप्रभात, मेरा नाम बबीता बिष्ट है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मैं जन्माष्टमी के बारे में कुछ बोलना चाहती हूँ। जन्माष्टमी पर्व को भगवान कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह पर्व पूरी दुनिया में पूर्ण आस्था एवं श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। जन्माष्टमी को भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में बसे भारतीय भी पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं। श्री कृष्ण युगों से हमारी आस्था के केंद्र रहे हैं। श्री कृष्ण वे कभी यशोदा मैया के लाल होते हैं तो कभी ब्रज के नटखट कान्हा। जन्माष्टमी पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जन्माष्टमी पर्व भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है, जो रक्षाबंधन के बाद भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। श्री कृष्ण देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र थे। मथुरा नगरी का राजा कंस था। वह बहुत अत्याचारी था। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। एक समय आकाशवाणी हुई कि उसकी बहन देवकी का 8वां पुत्र ही उसका वध करेगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन देवकी और वासुदेव सहित कालकोठरी में डाल दिया। देवकी श्री कृष्ण को जन्म दिया। उससे पहले उसके 7 पुत्रों को कंस ने मार डाला। जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भगवान विष्णु ने वासुदेव को आदेश दिया कि वे श्री कृष्ण को यशोदा माता और नंद बाबा के पास पहुंचा आए, जहां वह अपने मामा कंस से सुरक्षित रह सकेगा। श्री कृष्ण का पालन पोषण यशोदा माता और नंद बाबा की देखरेख में हुआ। बस उससे श्री कृष्ण के जन्मदिन की खुशी में जन्माष्टमी त्यौहार मनाया जाता है। धन्यवाद।